आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज गोवा के बारे में दूंगी, जिससे आप लोग कभी भी गोवा आने का प्लान बनाओ या गोवा आओ तो आप लोगों को भटकना ना पड़े। ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज मैं उन सारे डाउट क्लियर करूंगी, जैसे नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा क्या है, पंजी मियां पणजी क्या है, मडगांव क्या है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। इंडिया में केवल 29 स्टेट हैं, जिनमें से गोवा एक है। गोवा की राजधानी पणजी है और इसे हम पणजी भी कहते हैं। गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में ही पंजिम सिटी आती है, इसलिए नॉर्थ गोवा में ही आपको सिटी एंड शॉपिंग मॉल एंड कैसीनो एंड क्रूज शिप सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन साउथ गोवा में आप सिर्फ बीचेस एंड प्राइवेट बीचेस का ही आनंद ले सकते हैं। बागा, कलंगुट, अरंबुल, अंजुना जैसे फेमस बीच नॉर्थ गोवा में ही है, और जबकि साउथ गोवा में आप कोलेलिम बीच के साथ साथ छोटे छोटे और बीच का आनंद ले सकते हैं। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे तबोलिम एयरपोर्ट कहते हैं, ये वास्को डी गामा में आता है। वास्को डी गामा गोवा की स्मॉल सिटी है। वास्को डी गामा में ही हार्बर है, आप चाहे तो क्रूज शिप से भी गोवा आ सकते हैं। गोवा में 2 मेन रेलवे स्टेशन है, पहला मडगांव रेलवे स्टेशन, दूसरा वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। मडगांव रेलवे स्टेशन जो है वो वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से बड़ा है, और मडगांव में ही सारी ट्रेन दूसरे स्टेट से आती है। मेन से अगर आप गोवा आओगे तो मडगांव ही आओगे। गोवा में बहुत सारे छोटे छोटे लोकल रेलवे स्टेशन जैसे त्रिभीम, कनकोना, परनेम, गरमाली, और आप लोकल ट्रेन में भी गोवा घूम सकते हैं। गोवा में बस सर्विस मीन्स शटल बस सर्विस बहुत ही अच्छी है, सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप इनका यूज कर सकते हैं। मडगांव से पंजिम या वास्को से पंजिम आपको जाना है तो आपको केवल 10 मिनट में बस मिल जाएंगी, आप इनसे जा सकते हैं। आपके पैसे की बचत होगी, आप इनका यूज जरूर करें। अगर आपको गोवा के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज का वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।